और अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ी हुई खबर है। खबर यह है कि खुफिया एजेंसियों ने सीरिया से एक आईएस आतंकी का कॉल भारत में ट्रेस किया है। यह आतंकी यूपी के आजमगढ़ में अपने परिवार से बात कर रहा था। आतंकी की बातचीत से यह पता लगा है कि वो रूस और अमेरिका की लगातार हो रही बमबारी की वजह से बेहद डरा हुआ था और भारत वापस लौटने की मंशा फोन पर जाहिर कर रहा था। कथित आतंकी 6 महीने पहले ही इंटरनेट के जरिए आईएस के रिक्रूटर के संपर्क में आने के बाद सीरिया गया था और लड़ाकू ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ ऑपरेशंस में भी हिस्सा ले चुका है। अब ये कॉल ट्रेस की गई है, इससे पता चला है इस आतंकी का भारत वापस आना चाहता है। खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की है उसकी ये कॉल। अपने घर पर जो बातचीत ये आतंकी कर रहा था उसे अब ट्रेस किया गया है, इंटरसेप्ट किया गया है। यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है उसका परिवार, जहां पर वो फोन के जरिए बातचीत कर रहा था। सीरिया से फोन कर उसने अपनी मां से बातचीत की, जिसे खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट किया। आईएस का ये आतंकी जिसने भारत में अपने घर पर फोन किया। Thank you.